प्रयागराज का कुंभ का जो मेला आयोजित हो रहा है उसको लेकर के केंद्र सरकार के सहयोग से प्रदेश सरकार के द्वारा जबरदस्त तैयारियां की गई हैं। विकास के काम भी बड़े पैमाने पर किए गए हैं। प्रयागराज मेला प्राधिकरण का गठन हो चुका है और उस प्राधिकरण के माध्यम से मेले की अब तक जब भी तैयारी होती थी या जितना क्षेत्रफल रहता था, जितनी व्यवस्था होती थी, उससे डबल व्यवस्था, विशेष तौर से मेला क्षेत्र का विस्तार भी किया गया है और डेवलपमेंट की दृष्टि से भी अनेक सेतुओं का, सड़कों का, बिजली का, अन्य जो भी आवश्यक प्रबंध है उसे भी बड़े पैमाने पर किया गया है। जो परियोजनाएं पूरी हो गई हैं उनके लोकार्पण के लिए स्वतंत्र भारत के इतिहास में पहली बार देश के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी का आगमन हो रहा है और उनके आगमन के अवसर पर जहाँ एक तरफ वो कुंभ मेले के लिए जो काम किए जा रहे हैं उनका लोकार्पण करेंगे, वहीं दूसरी तरफ वह एक बड़ी जनसभा को भी संबोधित करेंगे, उसकी भी जबरदस्त तैयारी हो रही है। आज उसकी बैठक, एक बड़ी बैठक भी हुई थी, एक छोटी बैठक भी हुई है और हमें पूरा विश्वास है कि माननीय प्रधानमंत्री जी के आगमन पर कुंभ मेले के लिए लोकार्पण के अवसर पर एक बहुत विशालतम जनसभा यहाँ पर संपन्न होगी और जनता में प्रधानमंत्री जी के आगमन को लेकर के बहुत उत्साह है, उमंग है। चुनाव परिणाम आए हैं, दो राज्य तो ऐसे थे जहाँ भारतीय जनता पार्टी का प्रभाव क्षेत्र नहीं रहता था, लेकिन तीन राज्यों में जहाँ हमारी सरकार थी, हमें जो सफलता मिलनी चाहिए थी, हमारी जो वापसी होनी चाहिए थी, उसमें मध्य प्रदेश में जरूर हम अभी भी अंतिम परिणाम की प्रतीक्षा कर रहे हैं, लेकिन बाकी पूरे एक तरह से कहा जाए कि चाहे छत्तीसगढ़ हो चाहे राजस्थान हो, यहाँ सरकार हमारी थी लेकिन हमने कांटे की टक्कर दी है, अच्छी लड़ाई लड़ी है। 15 वर्ष तक हम सरकार में रहे, विकास के अच्छे काम किए हैं, जनता की ईमानदारी से सेवा की है, लेकिन जनता का जो भी आदेश है उसको शीश झुकाकर स्वीकार करते हैं।